वेलकम टू माय चैनल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि कैसे हम उलेठी द्वारा थायराइड को कम कर सकते हैं या जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो जानेंगे इसके उपयोग और जानेंगे कैसे इसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे हम थायराइड को कम कर सकते हैं या जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं थायराइड की। थायराइड होता क्या है? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स, एक तितली के आकार यानी बटरफ्लाई के आकार की यानी बटरफ्लाई शेप की एक ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है, जो ठीक आपके एडम्स एप्पल, जो लड़कों का ये घेंगा होता है ना एडम्स एप्पल, इसके नीचे प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड का क्या काम होता है? ये दो तरह के हार्मोन बनाती है, एक T3 और एक T4 फ्रेंड्स, जिसे T3 को हम कहते हैं ट्राईहाइड्रोथायरोनिन और T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कई सारे बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। अब ये बॉडी प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? लाइक हार्ट बीट यानी हृदय की गति, यानी ये हमारी हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारी हृदय गति फास्ट हो जाती है या धीमी हो जाती है, नॉर्मल जो एक मिनट में 75 पर सेकेंड होती है बीट, तो उससे कम या ज्यादा हो जाती है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या कम हो जाता है, या हमारी जो पाचन क्रिया है वो कम ज्यादा हो जाती है, या फिर हमारे शरीर के अंदर फ्रेंड्स जो सांस लेने की क्रिया है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, अंदर बाहर जो सांस छोड़ते हैं, इन सारी बॉडी प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड। और किन हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल करता है? T3 T4। तो अगर ये हार्मोन सही तरीके से काम ना करे, इनका या तो ज्यादा अमाउंट में बनने लगे शरीर में या कम अमाउंट में बनने लगे, तो इसी के कारण इस हार्मोनल इम्बैलेंस को ही हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थायराइड ज्यादा हो जाए, हाइपर, इसका मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर थायराइड, उसमें बंदा पतला हो जाता है, उसमें T3 T4 हार्मोन ज्यादा बनने लग जाते हैं। उसी तरह T3 T4 हार्मोन अगर कम मात्रा में बने, जब शरीर के आवश्यकता अनुसार ना बने, उससे कम में बने, तो उसे हाइपो कह देते हैं, यानी मोटे वाला। और इसके आपको मैंने कॉजेस कारण भी बताया था, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, थकान, कमजोरी, पीरियड्स की अनियमितता वगैरह आपको बताई थी, बाल झड़ना, डिप्रेशन में चला जाना। ठीक है, तो काफी चीजें मैंने आपको बताई थी, मोटापा, पतलापन, ये सब कुछ बताया था मैंने पिछली वीडियो में, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैं आज आपको बता रही थी कि मुलेठी में ऐसा क्या है और मुलेठी किस तरीके से थायराइड को कम करता है। तो चलिए बात करते हैं मुलेठी किस तरीके से काम करता है। जी हाँ, मुलेठी में थायराइड को नॉर्मल करने के गुण है। मुलेठी के पाउडर या इसके पानी को पीने से थायराइड में होने वाली कमजोरी और थकान को दूर किया जा सकता है फ्रेंड्स। अब आप बोल रहे होंगे वो कैसे? तो हाल 2011 में कुछ साल पहले की रिसर्च हुई थी फ्रेंड्स, जिसमें 2011 में टेक्सास यूनिवर्सिटी, टेक्सास नाम की एक जगह है जहां बायोसाइंसेस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई, वहां रिसर्च हुई टेक्सास में, और वहां की बायोसाइंस डिपार्टमेंट में ये रिसर्च हुई, जिसमें बायोसाइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई। इसमें यह पाया गया कि मुलेठी में एक तरह का एसिड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिटरपिनोइड और ग्लाइसेरिथैनिक एसिड। मुलेठी में ये दो तरह के एसिड होते हैं, ट्रिटरपिनोइड और ग्लाइसेरिथैनिक एसिड होता है, जो ना केवल थायराइड कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है बल्कि बनने से भी रोकता है, और बढ़े हुए थायराइड के अमाउंट को, एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ जो थायराइड है उसे कम करता है, उसके लेवल को नॉर्मल रेंज तक लेके आता है। और मैंने नॉर्मल रेंज भी अपनी पिछली वीडियो में सारा डिटेल में जाना, तो आप मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें जाइए। तो इसमें ये एसिड है ग्लाइसेरिथैनिक एसिड, जो उस मूल क्या कहते हैं थायराइड को कम करता है, उसकी कैंसर सेल्स को खत्म करता है। तो अब आपको कैसे बनाना है, ये मैंने आपको मुलेठी पाउडर से, जो मैंने आपको दमा वाले में भी बताया था कि मुलेठी पाउडर दमा कैसे कम करता है, तो अब मैंने आपको बताया था कि मुलेठी पाउडर लेना है, 3 से 4 चम्मच लेना है, एक कांच के ग्लास में ले लीजिए, और या फिर एक सॉसर पैन में ले लीजिए, उसे क्या करिए आप, उसमें एक गिलास पानी डाल दीजिए, और जब काढ़े की तरह चम्मच से हिलाते रहिए, स्टर करते रहिए, और जब तक 1/4 नहीं हो जाता उसको सूखने के बाद, उसको गिलास में डालिए और पी जाइए। इससे आप इस तरीके से मुलेठी पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शहद के साथ पक्का भी लगा सकते हो। तो अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।